क्या होता है, जब तक हम रिलेशनशिप में होते हैं तब तो बहुत सारे लोग वैल्यू देते हैं, केयर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, हर एक चीज़ मिलती है हमको। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप खत्म होता है फिर जो गालियाँ स्टार्ट होती हैं, अपना ईगो दिखाना स्टार्ट करते हैं लोग, क्योंकि लोगों का असली चेहरा ही वही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले उस इंसान के बदले हुए नेचर और बिहेवियर के बारे में। कई बार लोग बोलते हैं, सर जो हमारा पार्टनर है, सर जो वो इंसान है, वो जो लड़का है, वो जो लड़की है, वो इंसान बदल गया। मतलब पहले ही वॉज वेरी नाइस टू मी, शी वॉज वेरी नाइस टू मी, वो इंसान मेरे लिए ये किया करता था, इतनी वैल्यू दिया करता था, इतनी केयर किया करता था, इतनी रिस्पेक्ट किया करता था, और आज मुझे गालियाँ देता है, अजीब तरीके से बिहेव करता है, ही इज़ वेरी रूड टू मी, शी इज़ वेरी रूड टू मी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, वो इंसान बदल कैसे सकता है, वो लड़की बदल कैसे सकती है, वो लड़का बदल कैसे सकता है, सर बताइए आप। देखिए क्या है, जब तक इंसान का मतलब होता है तब तक इंसान का असली चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा। हर एक इंसान के असली चेहरे के ऊपर बहुत सारे नकाब हैं, तो आपको नकाब दिखाई देगा। अब हमने जी नकाब से प्यार कर लिया, हमने उस इंसान के असली चेहरे से प्यार नहीं किया, हमने उस नकाब से प्यार कर लिया कि ये इंसान ऐसा है, ये इतनी वैल्यू देने वाला है, इतनी केयर करने वाला है, इतनी रिस्पेक्ट करने वाला है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सडनली जैसे ही उस इंसान का मतलब निकलता है, मतलब पूरा होता है, तो उसके चेहरे से नकाब वो उतारता है और उसका असली चेहरा दिखाई देता है। असली चेहरे में है बहुत गलत तरीके से बातचीत करना, कोई वैल्यू नहीं देना, कोई केयर नहीं करना, कोई इज्जत नहीं देना, और गालियाँ देना, बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से ट्रीट करना। अब ये चीज़ हमको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, यही असली चेहरा है। जब तक इंसान का मतलब है तब तक तो मतलबी चेहरा लगा के लोग घूमते हैं, जब मतलब पूरा हो जाता है तो उनका असली चेहरा दिखाई देता है। अब असली चेहरे से हमें प्यार नहीं है, असली चेहरे से हमें जो है घिन है, कि यार घिन आ रही है हमें कि नहीं नहीं ऐसे कैसे कर सकता है, वो ऐसा तो नहीं था, वो ऐसी तो नहीं थी, नहीं 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 गलत, नहीं नहीं। हम मानने को तैयार नहीं है, हम अपनी ओर से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अभी भी हमारे मन में एक्सपेक्टेशन है कि नहीं नहीं वो सर वैसा था, वो वैसी थी, नहीं वो ऐसा ही था, वो ऐसी ही थी, बस कुछ समय के लिए जब तक उसका मतलब था उसने अपने चेहरे पे एक नकाब लगा लिया था कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, और हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, और इसकी वजह से हम अपनी ओर से परेशान हो रहे थे, इसकी वजह से हम अपनी ओर से सोच रहे हैं कि जी यार हाउ कुड ही डू दिस टू मी। मतलब वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे कर सकती है वो, नहीं 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 आई जस्ट कैन नॉट बिलीव दिस, आई कॉन्ट ट्रस्ट दिस, नहीं 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 हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसा है, इंसान का असली चेहरा है ऐसा। जैसे आप किसी इंसान के साथ गए, खाना खाने के लिए गए, रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, खाना मंगवाया आपने, अब वो इंसान तो आपके साथ बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत करेगा क्योंकि उसको आपके साथ मतलब रखना है, उसको आपके साथ रिश्ता रखना है, जो भी है। अब क्या है, अब वो इंसान एक वेटर से, वो इंसान किसी थर्ड पर्सन से जो खाना लेके आया है उससे कैसे बातचीत कर रहा है, उससे गाली दे के बातचीत कर रहा है, तो मतलब क्या, उस इंसान का असली चेहरा ही वही है, वो इंसान बदला नहीं है, उसका नेचर बदला नहीं है, उसका बिहेवियर बदला नहीं है, बल्कि जो असली उसका बिहेवियर था, असली जो उसका नेचर था, वो हमको दिख रहा है, और उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये चीज़ हमको तकलीफ दे रही है। हम उसको एक्सेप्ट करें ना कि हाँ यही सच्चाई है, यही उसका असली चेहरा है, रियल फेस है, रियल फेस एक्सेप्ट करो अपनी ओर से कि हाँ इसका यही असली चेहरा है, अब जो भी है सो इससे हाथ जोड़ो और पीछे हटो यहाँ से, इसी में भलाई है, एक्सपेक्टेशन मत चलो। जब तक, अब देखो क्या होता है, जब तक हम रिलेशनशिप में होते हैं तब तो बहुत सारे लोग वैल्यू देते हैं, केयर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, हर एक चीज़ मिलती है हमको। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप खत्म होता है फिर जो गालियाँ स्टार्ट होती हैं, अपना ईगो दिखाना स्टार्ट करते हैं लोग, क्योंकि लोगों का असली चेहरा ही वही है, और फिर हम देख के कहते हैं ये लड़की ऐसा बोल रही है मेरे को, ये लड़का ऐसा बोल रहा है मेरे को, नहीं पहले वो इंसान था ही वैसा, कुछ समय के लिए जब तक रिलेशनशिप चला तब तक नकाब आपके लिए लगाया गया, लोगों के लिए तो वही सेम चीज़ थी, लोगों के लिए तो सेम चीज़ थी। कई बार लोग भी बोलते हैं ना कि अपने फ्रेंड सर्कल में लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो इंसान सही नहीं है, सही नहीं, क्योंकि क्या है, लोगों को उसका असली चेहरा दिख रहा है लेकिन हम उसका असली चेहरा जो है अपनी ओर से नहीं देख पा रहे, हमको नकाब दिख रहा है। जब असली चेहरा दिखना स्टार्ट हुआ तो हम परेशान हो गए। उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए, समझ रहे हैं आप। ज़्यादा यहाँ पे मीनिंगफुल सा कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश मत कीजिए, समझ रहे हैं आप, निकलिए आप यहाँ से, आगे बढ़िए, खुश रहिए अपनी लाइफ में, मस्त रहिए, जो हुआ सो हुआ, एक नई शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए।
बस यही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वन ऑन वन गाइड करूं एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। श्री कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।